11 मई को पड़ रही है वैशाख की अमावस्या। मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या मानी जाती है शुभ। पितृ तर्पण के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है ये अमावस्या। वैशाख माह की अमावस्या इस बार 11 मई मंगलवार को पड़ रही है। मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौम अमावस्या कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भौम अमावस्या को धर्म कर्म स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब आपको भौमती अमावस्या मुहूर्त बताते हैं। भौमती अमावस्या मुहूर्त। भौमती अमावस्या तिथि 10 मई की रात 9:55 से प्रारंभ हो जाएगी, जो 12 मई को 12:29 पर समाप्त होगी। चलिए अब आपको अमावस्या की पूजा विधि बताते हैं। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें और फिलहाल की स्थिति को देखते हुए पानी में गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान कर सकते हैं। फिर स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ दें। इस दिन कर्मकांड के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। भौमवती अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में जल में लाल चंदन और गुड़हल का फूल डालकर सूर्य के 13 नामों का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। भौमवती अमावस्या के दिन मंगल स्रोत का पाठ जरूर करें। इस दिन तांबे का त्रिकोण मंगल यंत्र घर में स्थापित करें और नित्य इसकी पूजा कर मंगल स्रोत का पाठ करें। यंत्र पर लाल चंदन का तिलक करें, इससे आपको धन लाभ प्राप्त होगा। कर्ज मुक्ति के लिए भौमती अमावस्या के दिन श्री गणेश ऋण मोचक मंगल स्रोत के 51 पाठ करें और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। भूमि से जुड़े कार्यों में सफलता पाने के लिए भौम अमावस्या के दिन लाल चंदन की माला धारण करें, इस उपाय से आपके कार्य सिद्ध होंगे। भौमवती अमावस्या के दिन श्रीयंत की विधिवत पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें। ये उपाय करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और आपको धन प्राप्त होगा। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।